कांवड़ यात्रा पर नेम प्लेट के मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट पर ही तल्ख टिप्पणी कर दी। इतनी तल्ख टिप्पणी की है कि आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। डॉक्टर एपी सिंह ने साफ तौर पर कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं, हमारे देश में सबसे ऊपर सबसे ऊंचा कोई है तो वो है संविधान। यानी संविधान को उन्होंने शीर्ष पर बताया। सुप्रीम कोर्ट पर जो तल्ख टिप्पणी की उससे साफ तौर पर यह पता चलता है कि एपी सिंह ये चाहते थे कि नेम प्लेट लगे और कांवड़ियों को शुद्ध और साफ भोजन मिल सके, कांवड़ यात्रा पूरी पवित्रता के साथ निकल सके। जिस तरह से देखा जाता है कि कांवड़ यात्रा के समय तमाम ऐसे होटल, तमाम ऐसे ढाबे, तमाम ऐसे रेस्टोरेंट रहमान, रहीम, रसखान, अब्दुल, तमाम नामों से जो असली मालिक होते हैं वो अपने नाम छुपाकर और फिर वो अपना नाम बदलकर माँ वैष्णो, माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ सरस्वती जैसे तमाम नामों से ढाबे, होटल, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि जब उस ढाबों पर कांवड़िया जाते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि उनके लिए कहीं पर भी किसी भी स्थान पर सिर्फ और सिर्फ प्रसाद ही ग्रहण करना होता है। यानी ढाबे पर भी बैठेंगे तो वो भोजन को प्रसाद के स्वरूप में ग्रहण करेंगे, तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो भोजन जो उनका है प्रसाद स्वरूप में है वो पूरी तरह से पवित्र हो, वो पूरी तरह से साफ हो, उसमें लहसुन प्याज ना मिले। जब वो भोजन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद यूपीआई पर जब पेमेंट करने के लिए जाते हैं तब कांवड़िया चौंक जाते हैं, तब कांवड़ियों के पांव तले पैर से जमीन खिसक जाती है और वो कांवड़िया एकदम हतप्रभ हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू भर जाता है। क्योंकि जब यूपीआई पर देखते हैं कि कोई रज्जाक है, कोई रेहान है, कोई अब्दुल है, कोई कादिर है, तो उनके होश उड़ जाते हैं और वो रोते हुए अपने घर और परिवार पर बताते हैं कि उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई। डॉक्टर एपी सिंह ने बताया, उन्होंने कहा कि किस तरह से 100-150 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करके कांवड़िया पहुंचते हैं हरिद्वार और वहां से कांवड़ उठाते हैं। कांवड़ उठाने के बाद वो 100-150 किलोमीटर की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं। कोई कांवड़ यात्रा गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश के तमाम और जिलों तक लेकर ये कांवड़ यात्रा पहुंचते हैं। कांवड़ में पवित्र शुद्ध हरिद्वार से गंगा जल रहता है, साथ ही लंबी दूरी तय उन्हें करनी पड़ती है। आप ये समझिए, बहुत सारे ऐसे कांवड़िया हैं जो 5 लीटर, 6 लीटर, 10 लीटर, 11 लीटर जल लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी कांवड़िया हैं जो 21 से लेकर 51 लीटर गंगा जल अपने दोनों बाजुओं पर, भुजाओं पर लेकर चलते हैं। और आप समझ सकते हैं कि इस भीषण गर्मी में जहां पर धरती आसमान दोनों तप रहा है और वहां पर ऐसी स्थिति में 51 लीटर गंगा जल लेकर 100-150 किलोमीटर की यात्रा तय करना कितना मुश्किल का काम है, कितना कठिन काम है। कोई राजस्थान से है, कोई दिल्ली से है, कोई हरियाणा से है, कोई मध्य प्रदेश से है, इतने अलग अलग प्रांतों से आकर और वो कांवड़िया केवल साधना के लिए, भक्ति के लिए 51 लीटर जल लेकर चलते हैं। स्वयं डॉक्टर एपी सिंह ने यह कहा कि जब उनकी यात्रा आगे बढ़ती है और जब उल्टी सीधी जगहों पर वो खा लेते हैं, भोजन करते हैं, प्रसाद करते हैं, जब उन्हें पता चलता है कि ये दुकान किसी मुस्लिम की थी, ये रेस्टोरेंट किसी मुस्लिम का था और उस पर माँ वैष्णो, माँ संतोषी माता करके ढाबे का नाम लिखा हुआ था, तब उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। तब उन्हें लगता है कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। वो 150-200 किलोमीटर की जो यात्रा तय कर रहे थे, 50-60 किलोमीटर की यात्रा तय करते करते उनकी कांवड़ खंडित हो गई, कांवड़ की यात्रा खंडित हो गई, उनकी पूरी साधना, उनकी पूरी भक्ति, उनकी पूरी तपस्या, उनका पूरा त्याग, उन्होंने जो संकल्प लिया था, जो मनौती उठाई थी, वो सारी पूरे रास्ते में 60-70 किलोमीटर के रास्ते में यानी दूरी तय की थी, वो पूरी की पूरी खंडित हो जाती है। फिर डॉक्टर एपी सिंह ने कहा कि जरा उस कांवड़िए से पूछिए, उस कांवड़िए का हाल जानने की कोशिश करिए कि जब वो परिवार में अपनी बहन से, अपनी माँ से, अपने परिवार के सदस्यों से बताता है कि 60-70 किलोमीटर की यात्रा उसने तय कर ली थी, 51 लीटर जल लेकर वो पहुंच रहा था, बस आधा रास्ता ही तय करना था, बस 20-50 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी और वो अपने शिव मंदिर पर जाकर
कावड़ चढ़ाता, जल को अर्पित करता, लेकिन उसकी कावड़ खंडित हो गई। फिर उसके बाद उसके हृदय से पूछिए, उस कावड़िए के मन से पूछिए, उस भोलेनाथ के भक्त से पूछिए, उस भोले के हृदय से पूछिए, वो कैसे रोता है, कैसे वो व्याकुल हो जाता है, कैसे वो परेशान हो जाता है, उसकी तकलीफ, उसका दर्द सिर्फ और सिर्फ वही जानता है। क्योंकि लंबी दूरी तय करके आ रहा था, रास्ते में गलत कारण से, गलत परिस्थितियों के कारण उसकी कावड़ खंडित हो गई, फिर उसके लिए कुछ भी नहीं बचता। अगर मानिए कि दूसरे समुदाय के लोग रोजा रमजान रहते हैं और उस बीच में किन्हीं कारणों से उनका रोजा खंडित हो जाए, उनका रोजा बीच में टूट जाए, तो उन्हें कितनी तकलीफ होगी। तो इसी के कारण कावड़ियों की जो यात्रा होती है, कावड़ यात्रा में जब लंबी दूरी तय करते हुए वो आते हैं और अगर वो कावड़ यात्रा खंडित हो जाती है, टूट जाती है, तो उनकी पूरी की पूरी साधना एकदम से भंग हो जाती है, उनकी तपस्या जो है समाप्त हो जाती है, वो पूरी तरह से जो भोले के भक्त होते हैं वो टूट जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं। फिर वहां से कैसे, किस मायूसी से घर लौटते होंगे, ये आप समझ सकते हैं। पूरे के पूरे गांव के लोग इंतजार करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कि 51 लीटर गंगा जल लेकर कांवड़ यात्रा की शुरुआत की थी, गांव के लोगों ने तिलक और चंदन लगाकर उन्हें भेजा था कांवड़ यात्रा के लिए, लेकिन रास्ते में पता चलता है कि उनकी कांवड़ यात्रा एक ऐसे रेस्टोरेंट पर उन्होंने भोजन किया जहां पर माँ वैष्णो ढाबा तो लिखा था, लेकिन अंदर जब पता चला तो वहां पर मीट मांस पकाया जा रहा था, इसलिए उनकी कांवड़ यात्रा खंडित हो गई। तो फिर उनकी क्या स्थिति बनती है, एक ऐसे रेस्टोरेंट पे वो भोजन कर रहे थे जिस पे भगवान भोलेनाथ के नाम से उस रेस्टोरेंट का नाम था, लेकिन जब वो पेमेंट करने जाते हैं, UPI पर जाते हैं, तो फिर दिखाई देता है कि उस पर जो मालिक था ढाबे का, रेस्टोरेंट का जो मालिक था, उसका नाम रहीम रज्जाक निकल कर सामने आता है। फिर उसके बाद तो कांवड़िया पूरी तरह से हदप्रत हो जाता है, टूट जाता है। इसी को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह ने नाराजगी जताई, गुस्सा जताया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई भगवान नहीं है, हमारे यहाँ सबसे ऊंचा, सबसे अगर ऊपर कोई है तो वो संविधान है, संविधान को सभी को मानना चाहिए। उन्होंने बताया कि तमाम वीडियो जो जारी होते हैं, कहीं पर थूक कर, कहीं पे खाने पीने की खाद्य सामग्री में पसीना निकाल दिया जाता है, कहीं पर तमाम जगहों पर पेशाब किया जाता है, कहीं पर तमाम जगहों पर नाले के पानी से, गंदे नाले के पानी से सब्जी धुली जाती है, ये सारी जो वीडियो आती हैं वो विचलित करने वाली होती हैं, ये सारी जो वीडियो होती हैं वो मन को तड़पा देती हैं, मन को दुखी और व्यथित करने वाली होती हैं। और ऐसे में अगर विशेष समुदाय के लोग इस तरह का काम करते हैं और कांवड़ यात्रा में अगर इन सब्जियों का और इस तरह की गतिविधियों का प्रयोग किया जाता है, तो फिर आप समझिए कि कैसे भोले के भक्त वो पूरी कांवड़ यात्रा को पूरी कर सकें। इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरे दावे के साथ नेम प्लेट का इस बार व्यवस्था की थी, लगाया था कि किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा पूरी तरह से पाक, साफ और पवित्र हो, लेकिन डॉक्टर AP सिंह ने नाराजगी जताई कि ये पूरी तरह से जो तय किया गया था वो जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाकर ये पूरी तरह से कांवड़ियों के साथ अन्याय किया, उनका भी कहना है। तो आप समझ लीजिए कि पूरे देश के लोग, पूरे देश के जो बहुसंख्यक समाज है, सनातनी समाज है, हिंदू समाज है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मांग नहीं है, वो नहीं जज साहब से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं जज साहब से केवल मात्र निवेदन कर रहे हैं, जस्टिस ऋषिकेश राय साहब ने जिन्होंने निर्णय दिया, जस्टिस SB भट्टी साहब ने जिन्होंने ये निर्णय दिया और प्रतिबंध लगा दिया नेम प्लेट पे, उनसे पूरा का पूरा समाज रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि अधिवक्ता भी, वरिष्ठ अधिवक्ता भी उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनसे अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, उनके सामने तर्क रख रहे हैं कि आखिर योगी सरकार ने क्यों नेम प्लेट अनिवार्य किया था, क्यों नेम प्लेट लगाना चाहिए था। तो एक बात आप साफ तौर पर समझ लीजिए, जान लीजिए कि कांवड़ यात्रा को लेकर, कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर जब एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर AP सिंह भी अपनी टिप्पणी करते हैं, जब वो भी दुखी होते हैं, उनका भी मन व्यथित होता है कि कांवड़ यात्रा में कैसे अपवित्र तरीके से कांवड़ियों को भोजन कराया जाता है, कैसे उनकी कांवड़ यात्रा को खंडित किया जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठना लाजमी है। वरिष्ठ अधिवक्ता जस्टिस साहब
महोदय उन पर भी सवाल उठना लाजमी है, और वो लाजमी इसलिए है, बार बार है, कि कावड़ यात्रा की शुरुआत के पहले ही दिन यानी 22 जुलाई को ही तुरंत आदेश आ जाता है, तुरंत ब्रेक लगा दिया जाता है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है, और उसके बाद फिर प्रतीक्षा होती है तारीखों पर तारीख, और फिर कावड़ यात्रा की जो यात्रा है वो निकल जाती है, वो पूरी हो जाती है।